हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसमें हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और इसका जो बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। आई एम राज अलवेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आवर कॉलेज अलवर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज़ ए टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का टाइप होता है। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को इंक्लूड करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो वो हो जाएगा जहाँ पर कि मेन वेजिटेशन बड़े ट्री होते हैं, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पर डोमिनेंट वेजिटेशन है जो वो ग्रासेस होती हैं। अलग अलग टाइप की ग्रासेस हो सकती हैं, लेकिन ये छोटे टाइप के हर्बिवोरस प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पर जो ट्री होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑक्यूपाई कंपैरेटिवली फ्यूअर एरिया, अबाउट 19% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो इस टाइप का जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही कम एरिया में पाया जाता है, और के कंपैरिजन में लगभग अर्थ सरफेस का 19% एरिया ही ग्रास लैंड की फॉर्म में मिलता है। क्योंकि यह जो ग्रासेस होती हैं ये सीज़न के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो जो खुले जो ग्रास लैंड होते हैं या जो मैदान होते हैं तो वहाँ पर बारिश के मौसम में ही इनमें डोमिनेंट वेजिटेशन हमको दिखाई देती है पूरे साल भर ना देख करके, तो इसलिए बहुत कम एरिया में ही पाया जाता है। द कंपोनेंट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फॉलोइंग, ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट से मतलब हो गया कि जो कंपोनेंट उस एरिया में पाए जा रहे हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट हो गया उस एरिया का, या इसके अलावा वहाँ की सॉइल की पीएच कैसी है, वाटर कंटेंट, रेन कैसी है, टेम्परेचर, सनलाइट, तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड एनवायरनमेंट। तो जो इस टाइप के कंपोनेंट होते हैं या तो वो सॉइल में प्रेजेंट हैं या फिर वहाँ का जो एरियल एनवायरनमेंट होता है उसमें पाए जाते हैं। तो सॉइल में तो जैसे कि मिनरल, न्यूट्रिशन, और इसके अलावा कौन किस टाइप की सॉइल है, वाटर कंटेंट क्या है सॉइल का, और ह्यूमिडिटी, और एनवायरमेंटल फैक्टर, एरियल एनवायरमेंट होने वाला है कि गैसेस कंपोजिशन और लाइट हो गया, और इस तरीके से ह्यूमिडिटी, रेन वाटर, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। These elements, the elements such as phosphate, sulfate, calcium are the present in the soil. अब जैसे soil की हम बात करते हैं तो उससे हमें, उससे plant को जो nutrition मिलते हैं या जो mineral वो use में लेते हैं, जैसे कि phosphate, sulfate, calcium, तो ये सारे abiotic component में आते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, और जैसे एयर से कौन कौन से एलिमेंट वो यूज़ में लेते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं जो कि लीफ पे जो स्टोमेटा होते हैं उससे ये गैसियस एक्सचेंज के थ्रू लिए जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो सारे एनवायरमेंट से लिए जाते हैं और एनवायरनमेंट से लिए जाएंगे। और इसके अलावा और जितने भी जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं ये सब वहाँ के इकोसिस्टम की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर वाटर कंटेंट कम हो गया तो ग्रासेज हैं वो ड्राई हो जाएंगी, तो जो फूड चेन होती है वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है, बहुत ज़्यादा ही कम हो गई, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे भी उसकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो इकोसिस्टम की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट।
बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्रोड्यूसर, जो कि उत्पादन करेंगे या प्रोडक्शन करते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट या ग्रासेज होंगी यहाँ पर, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे एक फूड वेब दिखाई हुई है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। प्लांट्स, तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रास हॉपर प्लांट्स हैं, ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। तो जो प्लांट होंगे इन्होंने प्रोडक्शन किया, सनलाइट को यूज़ में लेकर के प्रोडक्शन करते हैं, तो फूड इन्होंने बना दिया। अब जो ग्रास हॉपर है वो इस डायरेक्टली लीफ को खाता है, रैबिट है वो भी लीफ खाता है, माउस है वो भी ग्रासेस को कंज्यूम करता है। तो अब जो ग्रास हॉपर होता है उसको लिजर्ड खा सकती है और लिजर्ड को हॉक खा सकता है। इसी तरीके से जो माउस है उसने प्लांट को कंज्यूम किया, तो इसका कंजप्शन हॉक करेगा, वो उसे एज ए फूड यूज़ में लेगा। या फिर माउस को स्नेक भी खा सकता है और इस तरीके से हॉक भी। इस तरीके से जो रैबिट होता है उसे भी डायरेक्ट हॉक खा सकता है। तो इस तरीके से एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की यहाँ पर फूड वेब दिखाई हुई है, कि जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर पर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर पर यह ख़त्म होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होंगे, दे आर मेनली ग्रासेज। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है तो यहाँ पे डोमिनेंट वेजिटेशन ग्रासेज होंगी, जैसे कि डायकैंथियम, साइनोडॉन, डेस्मोडियम, डिजिटेरिया, सिटेरिया, स्पोरोबोलस एट्सेट्रा। लार्ज साइज ट्रीज आर लेस इन नंबर और इट मे बी एबसेंट। जो बड़े साइज के ट्री होते हैं वो संख्या में यहाँ पर कम होंगे या फिर बिल्कुल ही एबसेंट होते हैं। दूसरा है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर का काम तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्शन करना, सनलाइट से आने वाली रेडिएंट एनर्जी को, यह है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके यह उसे कार्बोहाइड्रेट या फूड के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन यह रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्शन का काम इनका हो गया, और इनको कंज्यूम करने वाले जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम दे अकर इन फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये फॉलोइंग सीक्वेंस में मिलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर दे आर हर्बीवोरस एंड द प्राइमरी कंज्यूमर आर द प्राइमरी कंज्यूमर। जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। दे आर ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउज, बफेलो, डियर्स, शीप, रैबिट, माउस एट्सेट्रा। तो ये क्या होता है, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि काउ, बफेलो, डियर, शीप, ये सब जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे वो सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। फिर इस बार देखते हैं, बिसाइड द एनिमल दीज एनिमल इंसेक्ट आर आल्सो प्रेजेंट सच एज लेप्टो कोरिसा, डाइसडर्कस, कॉक्सिनेला। तो ये सारे जो इंसेक्ट होते हैं ये भी इसकी तरह काम करते हैं। तो जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखते हैं तो जो बड़े एनिमल्स हैं वो तो ग्रेजिंग एनिमल्स कहलाएंगे, इसके अलावा जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो ग्रासेस को खाते हैं या कंज्यूम करेंगे वो भी इस हर्बीवोरस की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। इसी तरीके से टर्माइट और मिलीपीड्स होती हैं, ये भी ग्रीन ग्रासेज होती हैं, या जो ग्रासेज हैं उनसे अपना फूड ऑब्जर्व कर रही हैं पत्तियों से, तो इसको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। सम टर्माइट्स एंड मिलीपीड्स आल्सो फीड ऑन द लीव्स ऑफ ग्रासेज। तो हर्बीवोरस या जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें आ जाएंगे ग्रेसिंग एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट जो कि लीव्स खाते हैं, और इसके अलावा टर्माइट्स और मिलीपीड्स जो भी कि ग्रासेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। तो ये सब हर्बीवोरस या कार्निवोरस में आ जाए, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। फिर दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर कार्निवोरस। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स सच एज फॉक्स, जैकाल, स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग। तो ये सारे हैं जो हर्बीवोरस हैं उनको एज ए फूड यूज़ में
लेते हैं। अब जो इंसेक्ट होते हैं उनको लिजर्ड, फ्रॉग ये यूज़ में ले लेंगे, स्नेक यूज़ में लेते हैं, माउस है उसे स्नेक यूज़ में ले सकता है, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को भी फूड की तरह यूज़ में ले सकते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको भी वो फूड की तरह यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि हॉक। तो ये टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर कहलाते हैं। फिर तीसरा है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर से मतलब हो गया, अब जैसे प्लांट है या ग्रास है वो डिके हो गई, उसका जो डेड पार्ट है, या इसके अलावा जो हर्बीवोरस होते हैं उनसे एक्सक्रीट होने वाला पार्ट, या फिर जो उनके डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिके करने का ये काम करते हैं। तो द माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर सच एज फंजाई, म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलम, क्लेडोस्पोरियम, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि अपना फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फंजाई, फंजाई में है म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम, इस टाइप की फंजाई है जो वो ये काम करती है। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गए जो कि डिके करने में हेल्पफुल होते हैं, इसी तरीके से एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देती है। दे ब्रिंग अबाउट द मिनरल बैक टू द सॉइल दस मेकिंग देम अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। तो ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनको सिंपल में चेंज करते हैं, जिसके कारण जो मिनरल उनके साथ जो बाउंडेड रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वापस से ये सॉइल में चले जाते हैं, और वापस सॉइल में जाने के बाद जो प्रोड्यूसर होते हैं वो वापस से इन्हें ऑब्टेन कर लेते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। थैंक यू।